टॉपिक को ही हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ सवाल पूछता है फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, टोटल नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल, जैसे ये अगर एग्जांपल देखें हम लोग, मान लीजिए हमारे पास इस समय एक ऐसे ही कंपाउंड दिया हो, सपोज करो पूछा इफ बीटा नेप्थॉल, इसको हम लोग क्या कहते हैं बीटा नेप्थॉल, ठीक है, ऐसे बीटा नेप्थॉल को एन ए एच से ट्रीट करा दें, किससे ट्रीट करा दें एन ए एच से, तो जो एक्स बन रहा होगा इसके कितने फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ आर एस ऑफ एक्स, ठीक है, यानी कि एक्स के कितने आर एस बनेंगे। तो बेटा अगर हम लोग एन एच डालते हैं, सपोज करें अगर हम लोग एन एच डाले हैं तो एन एच क्या है, एक तरीके से देखा जाए एन ए प्लस एच माइनस, बेब्स लाइक बेस, कैसे बिहेव करेगा बेस के रूप में, और बेस क्या करेगा एच को रिमूव कर देगा, यानी कि जो बन रहा होगा हमारे पास क्या बन रहा होगा इस तरीके से, ऐसा कुछ कंपाउंड बना होगा, ये एक साल्ट बना होगा एन ए प्लस, ठीक है, ये हमारा क्या है एक्स भी है, क्या है एक्स। अब इसमें क्या पूछा है टोटल नंबर ऑफ आर एस, है ना, क्या पूछा है टोटल नंबर ऑफ आर एस, तो टोटल नंबर ऑफ आर एस अगर हम बनाते बेटा तो मान लीजिए ये हमारे पास, ठीक है, ऐसे ये है ओ माइनस, ठीक, ये नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ ऐसे आए तो ये पाई बॉन्ड ऐसे जाएगा। एक बार बताया था एट ए टाइम हमको कितने कांजुगेट पोजीशन इन्वॉल्व करने हैं, एट ए टाइम जो हमको इन्वॉल्व करना है केवल और केवल दो कांजुगेट पोजीशन, ऐसे यहाँ ओ और यहाँ रहा होगा नेगेटिव चार्ज, ये बात क्लियर है। अब क्या होगा ये नेगेटिव चार्ज ऐसे आ जाए तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करके यहाँ आ जाएगा, एक एनदर हमको आर एस मिल रहा होगा इस तरीके से, ऐसा कुछ ये आया होगा, ठीक है, ये पाई बॉन्ड ऐसा ऐसे ही रहेगा, इसको भी हम लोग ऐसे ही रख दें, ठीक है, ये भी नहीं पाई बॉन्ड डिस्टर्ब हुआ है, बस डिस्टर्ब जो हुआ यहाँ आया है पाई बॉन्ड बन रहा होगा और इस पर आ होगा निगेटिव चार्ज, ये बात क्लियर है। अब बेटा अगर हम लोग देखें ध्यान से तो यहाँ ये निगेटिव चार्ज जब आता है तो ये क्रॉस कॉन्जुगेशन करने लगता है, यानी ये निगेटिव चार्ज इधर भी इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है ऐसे, और ये निगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ भी कॉन्जुगेशन में, तो एक पहले हम इधर करके देख लें, अगर ये निगेटिव चार्ज हमारा ऐसे आ रहा होगा ये यहाँ तो ये यहाँ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से जो बनेगा आर एस यहाँ क्या बना होगा ये ऐसे बना होगा, ये भी ऐसे बना होगा, ठीक है, यहाँ ओ ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा यहाँ एक बॉन्ड बन रहा होगा और यहाँ आ रहा होगा निगेटिव चार्ज, बात क्लियर हो रही है, इस तरीके से एक आर एस बना होगा, ठीक ऐसे ही ये निगेटिव चार्ज ऐसे जाएगा और फिर ये यहाँ जाएगा, यहाँ आप देखें अगर हम लोग तो इस तरीके का एक आर एस बन रहा होगा ऐसे ऐसे, ठीक, ये आ रहा होगा, यानी कि यहाँ कुछ चेंज तो हुआ नहीं तो ऐसे रख दिया जाए, यहाँ भी कोई नहीं चेंज है, यहाँ भी चेंज नहीं है, यहाँ भी अब चेंज नहीं है, लेकिन ये निगेटिव चार्ज चूँकि यहाँ आ रहा है तो ये क्या आएगा एक बाउंड बनेगा और यहाँ आ जाएगा निगेटिव चार्ज, ये बात क्लियर है। अब यहाँ क्या होगा कि ये निगेटिव चार्ज ऐसे आएगा तो ये ऐसे जाएगा, एक एनदर आर एस हम लोग बना रहे होंगे ऐसे, वो कौन सा आर एस होगा बेटा इस तरीके से ऐसे, ठीक, ये एस सच ऐसे रहेगा,
ये भी ऐसे ही रहेगा, क्यों? ये देखें तो ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो बन क्या रहा होगा, यहाँ एक बॉन्ड बन रहा होगा, ठीक है, यहाँ आ रहा होगा निगेटिव चार्ज। ये बात क्लियर होगी क्या? अब क्या करेंगे कि ये वाला जो निगेटिव चार्ज है ये कहाँ जाएगा कॉन्जुगेशन में, इस तरीके से कॉन्जुगेशन, और ये कॉन्जुगेशन में जाएगा तो जो हमको आर एस मिल रहा होगा ऐसे, ये वाला आर एस, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये हाँ, ये हाँ, और ये मिल गया। ये बात क्लियर है? लेकिन अगर हम बात करें बेटा यहाँ इस तरीके से देखें तो यहाँ क्या देखते हैं कि ये जो निगेटिव चार्ज है इधर कॉन्जुगेशन में जब आ रहा था तो ये वाला निगेटिव चार्ज अगर ऐसे जाता बेटा ऐसे, तो एक हमको आर एस ऐसे मिला होता। अगर हम ध्यान से देखें ये ठीक है, यहाँ ऐसे से रहता बेटा, ये भी ऐसे से रहता, यहाँ क्या रहता ऐसे, ओ यहाँ क्या रहता, इस तरीके से देखते हम लोग बॉन्ड, यहाँ तो डिस्टर्ब होता नहीं। अब ये निगेटिव चार्ज अगर इधर जा रहा तो यहाँ बन रहा होता है बॉन्ड, और यहाँ आ रहा होता निगेटिव चार्ज। बात क्लियर है? ठीक ऐसे ही ये जो हमारे पास आर एस था ऐसे, ये निगेटिव चार्ज से आता और ये वापस चला जाता, और इस तरीके से एक स्ट्रक्चर ये बन जाता। इस तरीके से अगर देखते हम लोग, ये ऐसे ही, कोई चेंज नहीं, यहाँ बेटा ये भी ऐसे ही, ये हो जाता ऐसे और ये हो जाता ओ माइनस, ठीक है। टोटल अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो कितने आर एस एक्स के बन रहे हैं, एक बना है देखो फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकंड, ये हो गया हमारा थर्ड, ये हो गया हमारा फोर्थ, ये हमारा हो गया फिफ्थ, ये हो गया हमारा सिक्स्थ, ये हमारा हो गया सेवन्थ, ये जो मिला था हमको ये मिला एट्थ, और ये मिला हमारा नाइन्थ। तो टोटल अगर आर एस चेक करते हैं हम लोग कितना मिल रहा था, टोटल जो नंबर ऑफ आर एस ऑफ एक्स की बात करते हैं तो होता हमारा नाइन। कितना आता बेटा, नाइन। अच्छा, इसका अगर रेजोनेंस हाइब्रिड इस तरीके से बनाते हम लोग तो क्या बनाते हैं, इस तरीके से आता ये होता, ठीक है, सिग्मा स्केलेटन ऐसे बना लेते हम लोग, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं, देखो बेटा ये ऐसे ऐसे डिलोकलाइज हुआ ही इस तरीके से, लेकिन ये गया कहाँ है? अगर निगेटिव चार्ज की बात करें तो निगेटिव चार्ज देखो यहाँ आया है, ठीक है, यहाँ आया है, ठीक है, यानी जहाँ जहाँ जाएगा यहाँ क्या जाएगा, पार्शियल निगेटिव, पार्शियल निगेटिव, ठीक है, यहाँ फिर क्या है बेटा, पार्शियल निगेटिव, यहाँ से जब गया है ये तो आपका यहाँ क्या रहोगा, पार्शियल निगेटिव, यहाँ से फिर कहाँ गया होगा आपका, अगर यहाँ से बेटा है तो क्या बना स्ट्रक्चर, ये वाला, फिर यहाँ भी आ रहा होगा तो पार्शियल निगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से इसको अगर देखा जाए तो हम कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। तो यहाँ अगर एक्स का अगर हमको बताना होता टोटल नंबर ऑफ आर एस, तो टोटल नंबर ऑफ आर एस कितने मिले हमको, मिल गए बेटा यहाँ आपके पास कितने मिले, नाइन। ये बात क्लियर है? ठीक है, ऐसे ही एक सवाल अगर हम लोग और करें, जैसे मान लीजिए आपके पास हो बेटा यहाँ अगर इस तरीके का एक सवाल दिया हो, ठीक है, एल्फा नेफ्थाल दिया होता, क्या दिया होता, एल्फा नेफ्थाल, मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड दिया गया और उस कंपाउंड को ऐसे दे दे और पूछे, सपोज करो ऐसे दिया होता, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, इसको हम लोग कहते हैं एल्फा नेफ्थाल,
क्या कहते हैं बेटा, अल्फा न्यूक्थाल, है ना। ये पोजीशन क्या कहलाता है, अल्फा होता है, ये होता है बीटा, ठीक है। और यही दिया हो सपोज करो एन ए एच, ठीक है, अगर एन एच दिया और पूछ लिया एक्स, है ना, और एक्स का क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ आर एस, ठीक है, ऑफ एक्स, ये बात क्लियर हो रही क्या। ठीक वैसे बेटा अगर हम सवाल को करें तो क्या करेंगे, ये हम डालें एन ए एच, क्या बेटा बेस, क्या है एन एच बेस, या एक साल्ट बना होगा, ऐसे अगर देखें हम लोग तो क्या बनेगा, एक साल्ट बन जाएगा ऐसे, ओ पर नेगेटिव एन ए प्लस, और यही हमारा हो जाएगा एक्स, क्या हो जाएगा एक्स, बात क्लियर हो रही क्या। अब अगर ध्यान से देखें हम लोग इसके आर एस को बनाना शुरू करें, हम मान लीजिए हमारे पास ये कंपाउंड था ऐसे, ठीक बेटा, ये है ऐसे, ये है, ठीक। अगर देखें तो ये ऐसे आएगा, एक आर एस हमको ये मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, ओ, क्या हो जाएगा ओ, और यहाँ अगर देखें हम लोग तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ऐसे ये चीज, ठीक है। अगर इस तरीके से देखें यहाँ, ठीक है बेटा ये छूट गया था, आई होप, क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड जब बना रहे होंगे तो इसका भी इस तरीके से बनाएंगे बेटा, तो यहाँ लिख देंगे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये ध्यान रहे, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये कॉन्जुगेशन कैसे आएगा बेटा, इस तरीके से ऐसे जाएगा, ये बन रहा होगा, ठीक है, ये आपके पास डबल बॉन्ड ओ, यहाँ आपके पास और यहाँ जाएगा निगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये निगेटिव चार्ज बेटा ऐसे जाएगा और इसके कॉन्जुगेशन में है, तो क्या बन जाएगा इस तरीके से, एक एनदर आर एस हम लोगों को मिल रहा होगा अगर ध्यान दें इस टाइप से, ठीक है। यहाँ आ गया आपके पास क्या बेटा ओ, ठीक, ये, और यहाँ क्या जाएगा इस तरीके से बॉन्ड बन रहा होगा, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भी देखिए बेटा क्रॉस कॉन्जुगेशन टाइप का है, ये नेगेटिव चार्ज इधर भी जा सकता है और ये नेगेटिव चार्ज इधर भी आ सकता है, तो पहले हम इधर का बना लें ऐसे, ये ध्यान देना होगा बेटा, ये बनाएंगे तो क्या बनेगा, एक एनदर आर एस ऐसे ऐसे ओ, ये आ जाएगा, यहाँ बाउंड बन रहा होगा, यहाँ निगेटिव चार्ज आ रहा होगा, ठीक बेटा, और यहाँ क्या रहोगे भाई, ये निगेटिव चार्ज ऐसे आ जाए तो ये ऐसे आ जाए, एक हमको एनदर आर एस मिलेगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो क्या रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ये एस एच रहेगा, ये आपके पास एस एच, ये भी यहाँ कोई चेंज नहीं है एस एच, ये निगेटिव चार्ज भी यहाँ रहा तो बॉन्ड बन रहा होगा ऐसे, और यहाँ मिला होगा हमको निगेटिव चार्ज, ये बात क्लियर है। अब ये निगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा बेटा, यहाँ जाएगा तो ये वापस यहाँ, ठीक है, इसका मतलब एक आर एस हमको मिल रहा होगा इस तरीके से, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ भी अगर देखें तो जो चेंज हो बस उतना लिखा जाता है बेटा, ये एस सच है, ये एस सच है, ठीक है, यहाँ एक बॉन्ड बन रहा है लेकिन यहाँ यहाँ आ रहा होगा नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट किया है, और ये आपके पास क्या आ जाएगा पाई बॉन्ड। अब फर्दर अगर देखें तो ये नेगेटिव चार्ज इस तरीके से कॉन्जुगेशन में गया होगा,
हम पहले ही बता दिए एट ए टाइम बेटा हमको कितने कॉन्जुगेट पोजीशन इन्वॉल्व करने हैं, केवल और केवल दो। ठीक है, ये आपके पास यहाँ आ जाएगा, यहाँ बाउंड बन रहा होगा पाई, यहाँ आ रहा होगा नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से। ठीक है, ये बन गया होगा। आफ्टर दैट बेटा अगर देखें तो हमारा ये नेगेटिव चार्ज भी ऐसे ही जाएगा। ठीक है, ये जाएगा तो क्या बनेगा, इस तरीके से ऐसे ऐसे बनेगा, यहाँ आया होगा ऐसे, ओ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड। ठीक है, अब अगर बात करें तो इस तरीके से आर एस बन गए, लेकिन हम यहाँ अगर ध्यान दें ये इधर गया तो इतने आर एस मिले, लेकिन ये जो नेगेटिव चार्ज है जो हमको दिख रहा है कि क्रॉस कॉन्जुगेट कॉन्जुगेशन में जा रहा था, ये नेगेटिव चार्ज बेटा अगर इधर आता ऐसे तो ये ऐसे गया होता, और इससे हमको एक आर एस और मिल जाता। वो क्या मिलता अगर ध्यान से देखते तो इस तरीके से ये बनता। ठीक है, अब यहाँ चेंज क्या हुआ बेटा, बस चेंज को देखेंगे हम। यहाँ हमारे पास ये तो इधर आ नहीं रहा था, इसका मतलब क्या था, ये ऐसे ही रहता, ये ऐसे ही रहता, ये भी ऐसे रहता, ये भी ऐसे रहता, बस ये हो जाता आपका एक बॉन्ड यहाँ। ठीक है, और यहाँ आ जाता ओ माइनस। ये बात क्लियर है। टोटल जो अगर हम आर एस की बात करें तो बेटा इस यहाँ से काउंट करते हैं हम लोग, ये था हमारा फर्स्ट, कौन सा आर एस था बेटा, ये था फर्स्ट, ये था हमारा सेकंड, ये हमारा था थर्ड, ये था फोर्थ, ये है फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, और इसको हम लोग कह रहे होते टेंथ। तो टोटल यहाँ अगर देखें टोटल जो आर एस बनते वो क्या बनते, 10, यानी यहाँ टोटल नंबर ऑफ आर एस 10, कितना मिल जाता 10। इसका अगर हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते तो क्या बनाते, इस तरीके से बना रहे होते ऐसे, यहाँ क्या था ओ, ठीक है, इस तरीके से बनता है ऐसे, इस तरीके बेटा यहाँ आता ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है तो यहाँ आता पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये बात क्लियर है। अब नेगेटिव चार्ज गया कहाँ का बेटा, क्या ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आया था तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद कहाँ गया है नेगेटिव चार्ज हमारा, अगर बात करें हम लोग तो नेगेटिव चार्ज हमेशा अल्टरनेट पोजिशन पर जाता है, ये यहाँ आया होगा तो यहाँ आया है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ से हमारा नेगेटिव चार्ज कहाँ गया होगा, अगर ध्यान दें ये यहाँ गया है, ठीक है, यहाँ से फिर कहाँ गया है, यहाँ गया है, यहाँ से फिर कहाँ गया है, यहाँ गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या हो जाएगा बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड। इसका मतलब अगर हम अल्फा नेफ्थाल और बीटा नेफ्थाल के कंजुगेट बेस के आर एस पूछे कोई, तो बीटा नेफ्थाल के कितने मिले थे हमको 9, और अल्फा नेफ्थाल के कितने मिले यहाँ 10, कितने मिले 10। ठीक है, इस पोजीशन को याद रखिएगा, इसे हम लोग कहते हैं अल्फा, ये भी अल्फा, ये आपका है अल्फा डैश कह सकते हैं इसको, और ये हमारा होता बीटा, बीटा इसको बीटा डैश, बीटा डैश। ठीक है, तो अगर अल्फा पोजीशन पर हुआ अच्छे तो उसको हम क्या कहेंगे, अल्फा नेफ्थाल, क्या कहेंगे, अल्फा नेफ्थाल। ठीक है, अगर ये पूछे तो ट्रोपोलियम कार्बोकेटाइन जिसको हम लोग कहते हैं, यहां बेटा टोटल नंबर ऑफ आर एस इन ट्रोपोलियम कार्बोकैटाइन, ट्रोपोलियम कार्बोकैटाइन जो होता हमारा ये होता बेटा ऐसे, ये कहते हैं ट्रोपोलियम, इसको हम कहते हैं ट्रोपोलियम कार्बोकैटाइन। तो ट्रोपोलियम कार्बोकैटाइन में अगर आर एस पूछे कोई
तो क्या बताएंगे हम बना लेंगे ऐसे ही ऐसे। ये यहाँ क्या रहेगा आई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज जो जहाँ है ऐसे रख दें। फिर ये पाई बॉन्ड बेटा यहाँ कॉन्जुगेशन में आ रहा है ठीक है। तो यहाँ अगर बेटा ऐसे बनाए तो यहाँ क्या हो जाएगा ये ऐसे यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज ये ऐसे। फिर बात करें हम लोग ऐसे तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है तो है बेटा ऐसे आएगा। तो ये ऐसे कोई चेंज नहीं यहाँ आ जाएगा क्या पाई बॉन्ड और इस पर आ रहा होगा पॉजिटिव चार्ज। ये बात क्लियर हो रही है। अच्छा तब तक आरएस बेटा बनाते जाएंगे जब तक इस टाइप का हमको स्ट्रक्चर मिल ना जाए। तो फिर फर्दर हम ऐसे आएंगे ये अगर हम ऐसे आते हैं तो हमको क्या मिलेगा इस टाइप से एक आरएस मिल रहा होगा बेटा। यहाँ बॉन्ड बन गया ठीक है ये ऐसे था ही कोई चेंज नहीं था यहाँ भी कोई चेंज नहीं बस यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। बात क्लियर। अब अगर हम लोग ध्यान दें तो ये देखेंगे कि ये जो पॉजिटिव चार्ज आया ठीक है ये पॉजिटिव चार्ज इसके कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड के। तो फर्दर ऐसे हम लोग बना लें ये यहाँ आपके पास ये बन रहा होगा यहाँ आ रहा होगा पॉजिटिव चार्ज बेटा ये इस तरीके से देखें तो कोई चेंज नहीं ये ऐसे ही रहेगा। ये बात क्लियर है। क्या ये पाई बॉन्ड इस पॉजिटिव चार्ज के कॉन्जुगेशन में है तो है हम कह रहे होंगे है क्योंकि दिख भी रहा है। तो यहाँ से एक आर एस अगर हम लोग ऐसे बना लें तो ये ऐसे रहेगा यहाँ हो रहा होगा पाई बॉन्ड यहाँ हो रहा होगा एक पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से ठीक है। अब अगर बेटा ये यहाँ आ जाए ऐसे तो हम क्या देखेंगे एक आर एस ऐसे ज़रूर बनेगा अगर हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं ऐसे बना लें हम ये बन जाएगा इस तरीके से यहाँ आ जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ बेटा अगर देखें हम लोग बनाने के बाद आर एस मान लीजिए ये फर्स्ट हो सपोज करो बेटा ये क्या है सेकंड ये क्या है थर्ड ये क्या है हमारा फोर्थ ये क्या है फिफ्थ इसको हम लोग क्या कहेंगे सिक्स्थ और ये क्या कहेंगे सेवंथ ठीक है ये सेवंथ होगा हमारा ये हमारा बन रहा होगा अर्थ नो डाउट। लेकिन फर्स्ट एंड अर्थ ये क्या है दोनों आइडेंटिकल क्या है बेटा आइडेंटिकल ठीक है। अगर फर्स्ट एंड अर्थ आइडेंटिकल हमको मिल गया तो इसमें से एक ही काउंट करेंगे तो टोटल जो अगर हम बात करें यहाँ जो हमारे पास इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बन रहा होगा वो क्या बन रहा होगा इस तरीके से बन रहा होगा ऐसा कुछ। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है बेटा सभी कार्बन से होकर गुजरा है ना तो हम सभी कार्बन पे क्या करेंगे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ऐसे इसी कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड है ना। तो सात कार्बन में ये पॉजिटिव चार्ज तरीके डिवाइड हो रहा है 1/7 कर सकते थे लेकिन कोई बात नहीं आइडेंटिकल फर्स्ट एंड अर्थ अगर देखें तो आइडेंटिकल है। तो टोटल नंबर ऑफ आर एस पूछे कोई तो यहाँ ट्रोपोलियम का टोटल आर एस कितने बने हैं 7 बेटा हम यहाँ लिख दे रहे हैं यानी कि अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ आर एस कितना 7 मिल रहे कितने मिले बेटा 7। तो टोटल नंबर ऑफ आर एस कितने मिल गए इसके 7। ये बात क्लियर हो रही है। तो ये बात हमको ध्यान देना होगा कि अगर ये पूछता है इस तरीके से ठीक है तो हम सॉल्व कर लेंगे ठीक है। नेक्स्ट जो पूछता है अगर हम लोग देखें जैसे बेटा कुछ तो ऐसे भी होते हैं जैसे सवाल पूछ लिया आपसे कि मान लिया जाए जो स्ट्रक्चर देख के हमको क्लियर ना हो
ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसे हम लोग टोटल पूछेगा, टोटल नंबर ऑफ आरएस इन बेंजीन, टोटल नंबर ऑफ आरएस इन बेंजीन। तो बेंजीन में अगर आरएस पूछता है तो यही हमारा क्या है, बेंजीन, ठीक है। तो बेंजीन में क्या करेंगे बेटा, टोटल इस तरीके से ये होगा, इधर जाएगा ये, इधर ये, इधर, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, इस तरीके के स्ट्रक्चर। इसी का हम लोग क्या बना ले, रेजोनेंस हाइब्रिड, तो रेजोनेंस हाइब्रिड बन रहा होगा ऐसे। तो ये न्यूट्रल फॉर्म है, कोई चार्ज नहीं डेवलप हुआ है। अगर चार्ज नहीं डेवलप हो रहा तो हम टोटल नंबर आप क्या कहेंगे इसे, न्यूट्रल आरएस। अगर टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रल आरएस की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रल आरएस कितने बने बेटा, दो, यानी फर्स्ट और सेकंड। तो टोटल नंबर ऑफ जो यहां आरएस बन रहे हैं बेंजीन में कितने बने बेटा, टोटल नंबर ऑफ आरएस टू। तो बेंजीन के लिए टोटल नंबर ऑफ आरएस कितने मिल जाएंगे हमको, दो मिल जाएंगे, है ना। दूसरा कभी कभी पूछ लेता है, याद रहे, या हम लोग जब सवाल एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी इसकी, है ना, एप्लीकेशन में। तो ध्यान रहे, तो अगर पूछे आपसे फाइंड आउट, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ आरएस इन नेफ्थलीन, किसने बेटा पूछ ले, नेफ्थलीन, है ना। तो नेफ्थलीन अगर देखें हम लोग तो नेफ्थलीन हमारा क्या होता बेटा, यही होता। इसको अगर ये दिया हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्थलीन, क्या कहा जाता है, नेफ्थलीन, ठीक है। अब नेफ्थलीन में अगर आरएस पूछे तो जाहिर सी बात है कि हम नेफ्थलीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसे बनाए, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो मान लिया जाए आपके पास ये है, ऐसे ये स्ट्रक्चर, ठीक है। पाई यानी कि रिंग का मतलब ये कंजुगेट पोजीशन पे होंगे सब, अल्टरनेट पोजीशन पे। अगर हम बात करें, मान लिया जाए हम इस रिंग को ए मान लें और इसको हम बी मान लें, क्या मान लें, ए और बी। ध्यान रहे, पहले हम ए में कॉन्जुगेशन करा लें, ध्यान से देखो बेटा, किस में करा लें, ए में। अगर ए में कराते हैं तो हमको स्ट्रक्चर क्या मिल जाएगा, इस तरीके से अगर देखें, ये ए में मतलब क्या है, ये पाई बॉन्ड इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, तो इस तरीके से ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा। ये बात क्लियर हो रही कि नहीं, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि एक बार ए में करा लिए, आप चाहो तो कई तरीके हैं, आप चाहो तो बी में एक बार करा दो बेटा, क्या करा दो, बी में, ए को स्थिर रखो बी को करा दो, ऐसे ऐसे, ठीक है, बी में करा दो। अगर बी में कराएंगे तो ये स्थिर रहेगा पाई बॉन्ड, ये तो जाएगा नहीं, लेकिन बी का जो पाई बॉन्ड होगा ये इसके पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में होगा, बात क्लियर हो रही। तो यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग, ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे, ठीक है। या फिर आप ऐसे करा सकते थे कि देखो बेटा, एक बार ए में करा लिया, चलो करा लिया, ए में करा लिया तो हमारे पास ए रिंग है बी रिंग है, अब ए और बी को साथ में कंजुगेशन मिले हो, यानी ये ऐसे ले आए, ये यहाँ आ जाए, ये यहाँ आ जाए, ये यहाँ आ जाए, इस तरीके से, ठीक है। और ये कहाँ चला जाए, यहाँ, और ये यहाँ, ठीक है। इस तरीके से जब जाएगा तो हमको ये, यानी ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। तो एक बार ए में करा लिए, ए में कराने के बाद ये ए और हम बी में सीधे कंजुगेशन करा लें,
हमको क्या मिल जाएगा थर्ड। इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ आरएस, यहां अगर बात करें हम, पहले हम लोग ये ड्रा कर लें इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, ये आपके पास है ऐसे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आरएस कितना हो रहा है इसका बेटा, थ्री, कितना मिला हमको, थ्री, ठीक है। अगर ऐसे हमसे पूछे फाइंड आउट ये पूछे बेटा, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ आरएस इन इन एंथ्रासीन, एंथ्रासीन, एंथ्रासीन में कितने आरएस मिलेंगे, ठीक है। एंथ्रासीन का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का होगा, ऐसे तीन रिंग फ्यूज फॉर्म में ऐसे होंगे, ये इसको ऐसे हम बना लेते हैं, ये एंथ्रासीन बेटा, क्या कहलाता है, एंथ्रासीन। एंथ्रासीन में अगर हम बात करें आरएस की तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो, अगर हमारे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर दिया गया, ठीक है, एंथ्रासीन हम बना लेते हैं ऐसे, ये पहले ऐसे शुरू करो, अब अल्टरनेट पोजिशन पाई बॉन्ड लगा दो, यहाँ लगा दो, ये आ गया, इसकी अल्टरनेट क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। अब इसका अगर आरएस बनाना शुरू करें तो पहले क्या हमारे पास बेटा, मान लीजिए ये रिंग हमारा क्या था, अभी आपको एक तरीका बताए थे कि इसको ए मान लो, ये बी है, ये सी है, बस इतना ध्यान दो, ए बी सी। अब ए बी सी में अगर हम बात करें तो पहले ए में हम रेजोनेंस करा लेते हैं, किस में करा लेते बेटा, रिंग ए में, है ना, ये बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर दिख भी रहा हमको, तो रिंग ए में अगर करा लेते हम लोग, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको स्थिर रखेंगे, चलो इसको ऐसा से रहने दो बेटा, यहाँ कुछ चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। इसको कराएंगे तो ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, ये इधर, यानी ये बन रहा होगा आपका इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, बात क्लियर है कि नहीं। हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं, पहले कहाँ चेंज करा रहे हैं, रिंग ए में, ध्यान है बेटा, रिंग ए का मतलब इसको हमको टच नहीं करना है, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये बात क्लियर हो रही कि नहीं। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर मिल गया हमको। अब बात करें हम लोग यहाँ ऐसे, तो क्या करेंगे, मान लीजिए बेटा ऐसे तीन रिंग हम बना ले, ठीक है, एक रिंग और बना लिया जाए ऐसे ऐसे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जैसे यहाँ कह रहे थे ना कि पूरा कॉन्जुगेशन करा दें ऐसे सभी रिंग में, वैसे यहाँ भी अगर हम कॉन्जुगेशन करा दें ए बी सी में, ए बी सी यानी ए बी और सी में अगर हम कॉन्जुगेशन करा दें तो अल्टरनेट पोजिशन पे ये कैसे आएगा बेटा, ये यहाँ आएगा ऐसे, तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ आएगा, ये, बात क्लियर हो रही कि नहीं बेटा। जो चेंज हो उतना ही हमको करना, बाकी कुछ नहीं करना, यानी कि बेटा यहाँ बन रहा होगा अगर देखें हम लोग एक बॉन्ड, ठीक है, बन गया, इसके बाद बॉन्ड यहाँ बना है दिख रहा होगा सबको, फिर एक बॉन्ड यहाँ बन रहा है, फिर एक यहाँ बन रहा है, फिर एक यहाँ बन रहा है, फिर एक यहाँ बन रहा है, और फिर एक यहाँ बन रहा है, ये बात क्लियर हो रही है, इसका मतलब क्लियर है। इस टाइप के स्ट्रक्चर बना लिए हमने, पहले ए में चेंज करा ली, फिर किस में करा रहे हैं बेटा, ए बी सी में चेंज करा ली, ये बात क्लियर हो गया कि नहीं। ए बी सी में कराने के बाद अगर हम ध्यान से देखें बेटा, तो ये देखो बेंजोइन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, हम किस में करा दें, केवल सी में चेंज कर दें,
किस में चेंज कर दें अपन लोग, सी में। बात क्लियर हो रही कि नहीं? देखो बेटा ये ध्यान देना होगा, ए बी सी के बाद कहाँ से चेंज करेंगे बेटा, सी में। सी में जब करते हैं तो हमारे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर बना होगा कुछ ऐसे, ये और ऐसे। ध्यान से देखो, क्या सी में अगर हम चेंज करते हैं बेटा तो क्या चेंज होना है? चेंज ये होना है सी में कि ये तो ऐसे ही रहना है, ये भी ऐसे ही रहेगा, तो रहने दो। ये चेंज हो जाएगा बस, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ, ये यहाँ। अब क्या बन रहा होगा? ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। बात क्लियर है कि नहीं? देखो ध्यान से, इस टाइप का चेंज, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो कितने हमको मिले? एक तो मिला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। कितने मिले? फोर्थ। अगर इसके रेजोनेंस हाइब्रिड को हम बनाएं, ठीक है, अब कहीं भी चेंज करेंगे तो बेटा आइडेंटिकल मिल जाएगा, ट्राई करिएगा, ठीक है। अगर हम इसके आरएस के जो बने हैं रेजोनेंस हाइब्रिड को हम ड्रा कर लें ऐसे, तो कर लिया जाए ऐसे, क्यों? ये तो जहां डबल वहां सिंगल और जहां सिंगल वहां डबल, इसका मतलब पार्शियल ऐसे कर दिया। इसी को हम क्या कहेंगे बेटा? रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये सब क्या थे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो टोटल अगर हम बात करें, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आरएस कितने मिले बेटा यहाँ? फोर। कितने मिले? फोर। ये बात याद रहे। बेंजीन में कितने मिले थे हमको? बेंजीन में अगर बात करें तो दो मिले हैं। कितने मिले बेटा? दो। नेफ्थलीन में कितने मिले हमको? तीन मिले हैं। कितने मिले हैं? तीन। एंथ्रासीन में अगर पूछता है कि टोटल कितने आरएस बनेंगे तो कितने मिलेंगे बेटा? चार। कैसे हम बनाएंगे आपको तरीका बता दिया सिंपल, आप ध्यान रखिएगा इसको। ए बी सी ऐसे नंबर कर देंगे हम लोग लेवल, इसको पहले ए में चेंज कराएंगे, फिर जो ए से चेंज कराएंगे जो बनेगा स्ट्रक्चर ये मिल जाएगा हमको। अब ए बी सी में करा देंगे, यानी तीनों रिंग को एक साथ कंजुगेशन में लाएंगे, यानी कि पाई बॉन्ड ऐसे शिफ्ट करते चले जाएंगे अल्टरनेट पोजिशन पर, फिर बन जाएगा हमारा थर्ड। थर्ड में फिर क्या होगा बेटा? सी वाले जो रिंग है केवल उसमें कंजुगेशन कराएंगे, तो फोर्थ। इसके बाद जो भी कराएंगे क्या मिल जाएगा हमको? आइडेंटिकल। ये बात क्लियर हो रही है सबको? ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्यों? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास अगर हम बात करें ऐसे, ठीक है, नेक्स्ट होगा बेटा, एक सवाल और पूछता है, कहता है कि फाइंड आउट, क्या कह रहा हो? फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ आरएस, टोटल नंबर ऑफ आरएस इन फिनेंथ्रीन। किसमें बेटा? फिनेंथ्रीन में। अगर सवाल पूछ ले फिनेंथ्रीन में कितने आरएस मिलेंगे, तो अगर हमको आरएस निकालना फिनेंथ्रीन में, तो पहले तो हमको फिनेंथ्रीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? फिनेंथ्रीन का स्ट्रक्चर। अगर फिनेंथ्रीन के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसे कहते हैं फिनेंथ्रीन बेटा। ये क्या है? फिनेंथ्रीन। ये हमारा फिनेंथ्रीन है। अब उस वो पूछा क्या, सवाल क्या पूछा है? फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ आरएस इन फिनेंथ्रीन। तो ये तो हम बना लिए, इसका मतलब क्लियर है कि अगर फिनेंथ्रीन के इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो ऐसे बना ले हम लोग, ठीक है, ऐसे यहां से स्टार्ट करो बेटा, हमेशा ऐसे याद करो। ये बन गया। अब इस पाई बाउंड के कहाँ जाएगा? अल्टरनेट पे, तो यहां जाएगा ऐसे। इसके अल्टरनेट कहाँ जाएगा? ये जो रिंग लगा है इसका मतलब अल्टरनेट पोजिशन पे क्या शो कर रहा है? कंजुगेशन। अपनी सुविधानुसार
दूसरों की सुविधा के अनुसार नहीं, अपनी सुविधा के अनुसार हम क्या कर लें, यहाँ यहाँ कर लें ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा दिमाग बैठा के भी चलिएगा आप लोग, मतलब कि सबसे पहले हम चेंज कहाँ करा लें, ए में। तो बात क्लियर हो रही, कुछ नहीं करना बेटा, ऐसे रिंग को हमको लगा लेना है, ये ऐसे, ठीक, ऐसे बना है तो ऐसे बना देना, ठीक है, बन गया वहां। हमको कहाँ चेंज करना बेटा, ए में। इसका मतलब ए में केवल चेंज करेंगे, बाकी किसी रिंग के पाई बाउंड को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो अगर डिस्टर्ब नहीं करना चाहते तो हम इसका मतलब पहले ही रख दें, क्यों, देखो ये पाई बाउंड इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, लेकिन हम इसके साथ ही इन्वॉल्व कर रहे हैं, चूंकि ए रिंग पहले कॉन्जुगेशन में जा रहा है, तो ये किसके साथ पाई बाउंड इन्वॉल्व हो जाएगा, इसके साथ। इसका मतलब ये यहाँ आ जाएगा ऐसे, ये यहाँ, ये यहाँ, तो ये कहाँ जाएगा बेटा, यहाँ, ये यहाँ जाएगा। बाकी में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है, तो जो जहाँ है वैसे। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं, सबसे पहले हमने कहाँ चेंज किया है, ए में, ठीक है। आफ्टर दैट बेटा हमको चेंज कर लेना कहाँ, ऐसे देखो, सी में, कहाँ बेटा, सी में, ऐसे। अच्छा, आर एस जब भी बनाते हैं तो डबल हेडेड एरो में ऐसे कर लेना, ठीक है। ये अगर हम लोग बात करें बेटा, तो इस तरीके से जब आते हैं तो क्या बनेगा, सी में करना हमको चेंज, किसमें करना है, सी में केवल। तो सी में जब चेंज करना है तो ऐसे पहले हम बना लें, क्यों, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। अब बस हम केवल और केवल जो चेंज करेंगे, ठीक है, वो कहाँ करने जा रहे हैं बेटा, हम करने जा रहे हैं सी में, ठीक है। सी में जब चेंज करेंगे तो इसको तो ऐसे ही रखना होगा हमको, ये नहीं ना डिस्टर्ब कर रहे हैं हम लोग, किसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, सी वाले को, ये भी हमारा डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। ये जब डिस्टर्ब कर रहे हैं तो ये यहाँ आ रहा होगा, ये यहाँ जा रहा होगा, ये यहाँ जा रहा होगा, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमको दिख रहा होगा, ठीक है, ये बन गया। बात क्लियर हो रही कि नहीं, पहले कहाँ चेंज किए, ए में, फिर कहाँ चेंज कर लिए, ए से जो बना उसमें क्या कर दें हम लोग, सी में चेंज कर दिए, ठीक है। सी से अगर बात करें तो फिर आते बेटा ऐसे, दो ध्यान से, अब हमारे पास फिर अगर हम चेंज कर दें किसमें बेटा, ए में, किसमें चेंज कर दें, ए, ए मतलब ये नहीं बेटा, जो हमको चेंज करने के बाद मिले उस रिंग की बात करें, हम तो ये लेवल कर दिए थे ना, ए बी सी है, तो हम इसमें चेंज कर दें ए में दोबारा, फिर इस ए में। तो स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो हमारे पास तो ऐसे स्ट्रक्चर मिलेगा, ये है। हमको चेंज कहाँ करना है, ए में करना है, कहाँ करना बेटा, ए में। तो ये तो डिस्टर्ब नहीं होने वाला हमारा, ठीक है, क्यों, ये भी नहीं डिस्टर्ब होगा, डिस्टर्ब कहाँ हो रहा है, ए वाले में, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे। तो इसका मतलब ये मिल गया। बात क्लियर हो गई, क्लियर है सब। अब पहले ए में किए तो ये मिला, इस वाले के सी में कर दिए तो ये मिल गया, इसके फिर ए में कर दिए तो ये मिल गया। अब ध्यान दो, ठीक है, हम बी और सी, बी और सी हमारा कौन सा बेटा, ये वाला, इसे क्या कहेंगे, बी और सी, ठीक है। अगर हमारे पास इस तरीके का बन रहा बेटा बी और सी, तो केवल और केवल किसमें कर दें हम लोग कॉन्जुगेशन, बी और सी में, तो हम लेके देके आएंगे बी सी, हम कहाँ चेंज कर रहे हैं, बी और सी में। तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस आप ऐसे बना लो, क्यों, ये बी और सी में जब कर रहे हैं तो बताएं, ये जो पाई बाउंड होगा बेटा इस बी वाले रिंग के साथ भी कॉन्जुगेशन में है और इसके साथ भी कॉन्जुगेशन, तो ए को तो नहीं करें, अगर ए को कॉन्जुगेशन में लाते तो इसके साथ इन्वॉल्व हो जाता, अगर इसको कॉन्जुगेशन मिला रहे हैं तो इसके साथ इन्वॉल्व हो जाएगा। तो खैर,
इसको स्थिर रखें हम लोग, डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। हमको किसको करना है, बी और सी को। अब ध्यान से देखो, ये बेटा अगर ऐसे आता तो ये कहाँ जाएगा, ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये कहाँ आएगा, यहाँ। बात क्लियर है। अब चेंज देखो, ये आपके पास आया होगा तो यहाँ बन गया, ये गया तो यहाँ बन गया, फिर इसके बाद ये गया तो बेटा यहाँ बन रहा है, ये आ रहा है यहाँ तो यहाँ बन रहा है, और ये पाइवट शिफ्ट होके कहाँ आ गया, यहाँ। बात क्लियर है। अब कहीं चेंज करेंगे तो आइडेंटिकल हो जाएगा, ये बात क्लियर है। क्या हो जाएगा बेटा, आइडेंटिकल। इसका मतलब क्लियर है कि ये हमारा कौन सा था, फर्स्ट, ये कौन है, सेकंड, ये कौन है, थर्ड, ये फोर्थ, और ये फिफ्थ। ये बात क्लियर है। टोटल अगर हम बात करें यानी कि आरएस फिनेंथ्री में तो कितने बने, पांच, कितने, पांच। लेकिन अगर हम बात करें पहले इसके रेजोनेंस हाइब्रिड को हम लोग बना लें, ठीक है, तो ऐसे बना लें सिग्मा स्केलेटन, पहले इसका हम लोग ऐसे, ये ऐसे, कोई चार्ज नहीं है, सबके सब न्यूट्रल हैं, ऐसा। इसे क्या कहेंगे हम लोग, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो यहाँ बेटा अगर हम बात करें, अगर पूछे कोई, तो टोटल नंबर ऑफ आरएस ऑफ फिनेंथ्रीन कितने, पांच। कितने आरएस बने बेटा, पांच, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। इसका मतलब है अगर हम लोग कंपाउंड ऐसे लिख लें, टोटल नंबर ऑफ आरएस लिख लें, ये तो याद कर सकते हैं, क्यों, अगर ऐसे हम लिख लिए तो हमारे पास क्या है कि जब कंपाउंड हमारा बेंजीन था, क्या था, बेंजीन, तो कितने आरएस मिले हैं, टू। जब नेफ्थलीन था तो कितने मिले बेटा, तीन। एंथ्रा सीन में कितने मिले हैं, चार। फिनेंथ्रीन में कितने मिले हैं, वो मिले हैं पांच, ठीक है, कितने मिले, पांच। तो आरएस तो जरूरत पड़ेगी, कहीं बॉन्ड लेंथ वगैरह जब पूछता है तो हमको आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है ना। लेकिन फिलहाल के लिए ये तो इतना ही दिमाग में रहे कि बेंजीन में अगर कोई पूछ ले कितने आरएस, तो दो। नेफ्थलीन में कितने, तीन। एंथ्रासीन में कितने, चार। फिनेंथ्रीन में कितने आरएस मिलते हैं, पांच। तो इतना तो याद रहे, इज इट क्लियर। तो इस तरीके से आरएस पूछ लेता है कभी कभी, इतना याद रहे बेटा। और याद क्या रहे, आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है, कभी भी कुछ भी पूछ ले तो आपको आना चाहिए कि आरएस हम कैसे बनाएंगे, कैसे निकालेंगे, ये बात क्लियर है। तो ये रहा आपका आरएस, एक तरीके से आरएस निकालना, ये जो बताए हैं कि पहले लेवल कर दो ए, ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा, चूंकि यहाँ कन्फ्यूजन होता है इसलिए इसको लेबल करके बेटा बताए हैं, ठीक है। और कोई तरीका होगा तो आप करते रहिएगा इसको, ठीक है। तो ए बी सी, पहले ए में कर लिए तो हमको ये मिल गया, इसके सी वाले में कर लिए तो ये मिल गया, और फिर ए में कर लिए, लेकिन ये वाला ये नहीं है, इसके इस जो थर्ड मिला उसके ए में अगर कर दें हम तो हमको ये मिल गया, और इसके बी और सी को इन्वॉल्व कर लिए तो ये मिल गया। इसके बाद कभी कुछ भी चेंज करेंगे तो हमको आइडेंटिकल मिलेगा, यानी टोटल जो आर एस मिलेंगे कितने मिल जाएंगे हमको बेटा, यहाँ मिल जाएंगे पांच, ठीक है। तो हम लोग अल्फा नेफ्थाल के कंजुगेट बेस के आर एस निकाले हैं, ठीक है, तो कितने मिले वहाँ, दस। कितने मिले हैं, दस बेटा, ठीक है। बीटा नेफ्थाल का निकाले हैं तो कितने मिले हमको, नाइन, है ना। ऐसे ही ट्रोपोलियम का पूछे थे तो ट्रोपोलियम में कितने मिल गए थे हमको, सेवन। बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन का हम लिख दिए। नेफ्थलीन के केस में ये
थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग भी कि इस तरीके से हम लोग यहाँ ये कहते बेटा अल्फा, और ये भी कहते हैं अल्फा डैश, आइडेंटिकल है तो इसको डैश डैश लगा देते, ठीक है। ये हमारा होता बीटा, बीटा पोजिशन, ये वाला पोजिशन, ये अल्फा है, ये वाला, ये बीटा है, ठीक है। और इस पोजिशन को हम लोग कहेंगे बीटा डैश, क्या कहेंगे, बीटा डैश। ये बात क्लियर है, और ये बताए भी थे अगर आपको याद हो, जब पढ़ा रहे थे क्या इसमें रिजम, ये आप ध्यान रखिएगा। तो अगर अल्फा पे होगा तो ठीक है, अलग टाइप से आरएस बनेगा, यानी 10 मिला था हमको, और बीटा पे होगा तो 9 मिला था, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रहे, प्रैक्टिस करते रहो बेटा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास जब लेंगे तो उसमें बाकी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। और अभी जो आरएस जितने भी हम बनाए हैं, ध्यान रहे कुछ छूटा होगा तो उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। ये बात क्लियर है, चलो थैंक यू बेटा, जय हिंद।